जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम वबरकातु। हजरत जी, मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ। मेरा एक मसला है, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ लेकिन वो अबू धाबी में रहती है। मेरा ऐसा कुछ वजीफा दीजिए कि मेरा उससे रिश्ता तय हो जाए और हम उधर शिफ्ट हो जाए और हमारा मतलब वहाँ पर जाती घर हो जाए और हमारा रिश्ता तय हो जाए और कोई रुकावट ना आए। और आपकी इस बारे में क्या राय है आप बता दीजिए, और मेरे चाचा के लिए भी दीजिए कि हम मेरे चाचा और हमारे भैया हम सब शिफ्ट हो जाए उधर। ठीक है, जी बहुत शुक्रिया। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। माशा लड़की आपने दो अबू जहबी में पसंद की, खुद इंडिया में रहते हैं, वैसे वीज़े के प्रोसेस जो करने पड़ जाएंगे, तो खैर वाफिस से आपके वीज़े के प्रोसेस हो जाए और लड़की वहाँ अबू जहबी में रिश्ता आपका कबूल हो जाए। बाकी राय, मेरी राय तो यही है कि लड़की अगर जो है मुनासिब, अच्छा ख़ानदान है, अच्छी जो है वो नेक सीरत लड़की है, ज़ाहिर है कि लड़कियों में से सूरत से ज़्यादा सीरत को फोकस करें इंशाल्लाह जो है, और सीरत सूरत दोनों आपको मिल जाए, ज़ै किस्मत ज़ै नसीब है, तो इंशाल्लाह जैसे हदीस में भी आता है कि दीनदार लड़कियों को जो है वो तुम लोग तरजीह दिया करो। तो बाकी ये है कि दीन और सीरत के एतबार से आप बिल्कुल चूज़ करें, और वैसे इस्तखारा करके, मसनून इस्तखारा करें, इस्तखारा करके फ़ैसला करें तो उसमें और बरकत हो जाएगी। तो मैं भी दिल से दुआ करता हूँ, बाकी रिश्ता आपका वहाँ तय हो जाए, खैरी से पहुँच जाए। तो सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80, 80 नंबर आयत, 80 नंबर आयत आपने 101 दफ़ा ईशा के बाद पढ़नी है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। इसमें आपने नियत करनी है कि आपका वहाँ उस लड़की के यहाँ रिश्ता तय हो जाए और आप लोग खैर वाफियत के साथ जो है अबू जहबी शिफ्ट हो जाए, आप लोग, आपके चाचा लोग, जो भी आप चाह रहे हैं सब वहाँ शिफ्ट हो जाए, वहाँ रोज़गार भी आसान हो, ये नियत करके ये शुरू कर दें। और ये 71 डेज आपने अमल करना है, बहुत मुजर्रब है, इंशाल्लाह अल्लाह सारे अहवाल जो है वो मुहैया फरमा देंगे। बहुत शुक्रिया हज़रत।